नशा एक अहजा नाम जो कि किसी नूं लग जावे तां उसका अंत बहुत ही माड़ा हुंदा है। ते नशा करन तों बाद अगर छड्ड दित्ता जावे जिंदगी दोबारा पटड़ी ते आ जावे तां इस तों वधिया होर की हो सकता है। ते अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां कृष्णा फाउंडेशन रजिस्टर ड्रग काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि विले दत्तोग्रेन नियर गणेशपुर देवी मंदिर तहसील कालका जिला पंचकूला विखे स्थित है। यह सेंटर नशे के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। सेंटर विखे मरीजों को घर वर्गा माहौल मुहैया करवाया जाता है तो हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। साई टीम ने इतने के ऑनर नाल गलबात की जिन्होंने सानू कृष्णा फाउंडेशन ड्रग काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बारे विस्तार में जानकारी दी। साई टीम ने इतने ठीक हुए मरीजों नाल भी गलबात की जिन्होंने कृष्णा फाउंडेशन की बेहद तारीफ की। आओ चलते हैं कृष्णा फाउंडेशन ड्रग काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। दर्शको पंजाब प्लस चैनल पर तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं कृष्णा फाउंडेशन, एक ऐसा नाम जो लोगों के लिए एक जिंदगी बन चुकी है और हज़ारों की गिनती दे विच ओ नौजवान जिहड़े नशे की दलदल विच गिरफ्त सीगे उन्होंने एक नवी जिंदगी दी है। गल कर रहे हैं वीर जी दे नाल जिहड़े इत्थे सेवा दे रहे हैं। भाई जी स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। थैंक यू भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद है ना तुसीं सानूं मौका दिता। भाई जी की कहना चाहोगे कि ये जड़ा नशा हैगा जिहदे जड़ा एक कोट की तरह फैल रहा हैगा और जो एक बार बंदा रिहैब च आ जाता है तो वो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। वो भावनावां जिहड़ियां पुराने जिवें आपां फ्लैशबैक दिखाने होंदे उदां उदां बंदे नूं दिखदा रहिंदा अपना आप। बिल्कुल भाजी, देखो रिहैब दा स्टैप है जिहड़ा इक परिवार देखो जी इक तां बहुत लेट चकदा, ठीक है जी। उस तों बाद जदों बच्चा कोई रिहैब च आ जाता एक न्यू जर्नी स्टार्ट की जाती है उहदी, भी ला लो असी तो एक यही सोचते हैं भी कोई नवा जन्म है आप जिमें बच्चे हौली हौली चीज़ा सिखाने स्टैप बाय स्टैप है ना चीज़ा उन्होंने दसिया जाए। पहला तो देखो जी उन्होंने शरीर तौर पर फिट करते हैं आप जिमें ला लो हूँ तुम भी कोई भी बच्चा नशा लै रहा ना उन्होंने इंटरनली वीकनैस इन्नी हो जाती है तोड़ तंगी ला लो फिट पैन लग जाते कई बच्चों विड्रॉल सिमटम आ जाते हैं कई तरह दिक्कत आदि पहल तो आप देखो वो चीज़ा रिकवर करते हैं फिर साडा मोटिव यही रहता कि बच्चे शरीरक तौर पर फिट किया जाए जी। उस तो बाद जो कि देखो जी मेन इलाज तो हम काउंसलिंग का होंगे जिन्होंने आपी आप भी कह दें भी गलबात समझा है ना माँ बाप भी समझाते हैं दुनिया भी समझाती है पर उस समय बच्चे समझ क्यों नहीं आती वो एक एडिक्शन होंगे जी एडिक्शन ला लो एक WHO ने इनू वैसे तो बीमारी घोषित करता जी। इस बीमारी का इलाज है ना काउंसलिंग ही है जी होर कोई इलाज है नहीं जी। आप कही काउंसलिंग इन रिहैब है विद अलग अलग तरह थैरेपीज होंदियां ने जिमें ला लो आप बिहेवियर थैरेपी जिमें आम तौर पर स्टडी वाइज कहा जाता है कि डायरैक्ट नशा जिंदगी नहीं आता ना पहला ला लो अपने चेंजिज आते हैं व्यवहारा चेंज आ जाते हैं उस चीज़ा व्यवहार चेंज आने तो बाद फिर बंदा जिमें ला लो आप एक नॉर्मली गल कर लिए फॉर एग्जाम्पल लै लें पहला जिमें अपनी पंजाबी कह दें पहला बच्चा हथों बहर होया है ना फिर वो संगत बदली फिर उन्हें एक नशा चुने या ला लो उन्हूं पता नहीं लग्या कदों ते किवें उस बीमारी च चला गया जी। वीर जी अगर आप गल कर लीए इस सेंटर की जिहड़ा 4 साल तो सेवा कर रहा की कहना चाहोगे कि यह सेंटर जिहड़ा बंदा एक करी आ जांदा उहदा योगा उन्हूं एक्सरसाइजिज उहदा माइंड सैटअप उहदा डे रूटीनस उन्हूं काउंसलिंग उन्हूं सारा दिन जिहड़ा हैगा प्रेयरां दे नाल और उन्हूं एक ऐसा बिहेवियर उहदे नाल मिलदा हैगा कि उन्हूं एक अपने आप नूं पॉजिटिविटी दे तुसीं उन्हूं लै जांदे हो उहदा ई जोन जिहड़ा हैगा उस च लै जांदे हो फिर वह अपने गलतियां दसदा भी यार मैं तां इन्ना दुखी सीगा आह गल्लां सीगियां हौली हौली जदों दसदा रहिंदा उदों उदों उहदा दुख जिहड़ा अंदरों बाहर आउंदा रहिंदा खुशी जिहड़ी आ फीलिंग्स आ जिहड़ियां उन्हूं आउणी शुरू हो जांदियां। बिल्कुल सर, देखो जी फीलिंग्स मर जांदियां ने एडिक्शन च जो बच्चे भाली सारी एडिक्शन नशे की रह जाती है होर उन्होंने कोई मतलब नहीं होंगे घर परिवार तो ना जो बीमारी ही ग्रस्त जो आप कह दें बच्चा बीमारी ग्रस्त है उन्होंने सिर्फ अपना नशा ही दिखता होंगे उस टाइम हौली हौली जो उरे आता है ना जी उन्होंने जिम्मे मैं थोड़ा पहला भी दस खेडा स्टैप बाय स्टैप चीज़ा होंदिया ने पहला देखो जो योगा थैरेपीज नाल आफ्टर मेडिसिन है ना जो सारा प्रोसैस कंप्लीट हो जाता डिटॉक्सीफिकेशन का फिर योगा मैडिटेशन से अलग अलग थैरेपीज नाल बच्चे जो शरीर तौर पर आप फिट करते हैं ना वो सोचने समझ की शक्ति है जी ला लो भी जिमें नॉर्मल इंसान की होंगी उमें आन लग जाती है ना नॉर्मल होने लग जाता बच्चा चीज़ा सारा देखना उन्होंने हरेक चीज हरेक तरह फीलिंग्स आन लग जा ने देखो जी जो नशे च ना बच्चा घर परिवार बारे नहीं सोचता अपनी वाइफ बारे नहीं सोचता माँ प्यो बारे नहीं सोचता जिमें जिमें ठीक होंदा जांदा ना रिकवर होंदा जांदा उस तरह उन्हें फीलिंग्स भी आने लग जांदियां अपना अच्छा बुरा भी दिखन लग जांदा पुराना भी बच्चे नूं याद आंदा है ना मैं आह चीज़ां गलतियां कीतियां पर आपां देखो अपना मेन मोटिव हुंदा पुराना याद करके बच्चा नैगेटिव ना होवे
ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਯੋਗਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਲਵ ਕੇਅਰ ਕੰਸਰਨ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦੀ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਜਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਲਓ ਕਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਟਰਬਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ, ਨਾ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿਗੜਦੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਦਲੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਲਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਡਿਨਰ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮਲਾਈਆਂ, ਲੱਸੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਰੂਟਸ, ਜੂਸਿਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏਫੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਾਇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਗੇਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਜਿਟ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਵਰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਨ 'ਚ 10-10 ਫੋਨ ਜਾਂ 15-15 ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ VIPs ਵੀ ਅੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, VIP ਰੂਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਬੈੱਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਓ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਡਬਲ ਬੈਡਿੰਗ ਵੀ
ਮਾਡਲ ਅਲਮੀਰਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਚੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ VIP ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸੇਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਅਰ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਰਨਲ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਮੇ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਥੇ, ਔਰ ਜਬ ਆਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏ, ਕਿਤਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? थैंक यू सो मच मेरे को अपने मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो लाइफ थी एकदम नशे के अंदर एकदम ख़राब जा रही थी, क्योंकि अच्छी जॉब होने के बावजूद, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी हो ये रहा था कि मतलब समझ में नहीं आती बाहर कैसे आए। तो मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, डॉक्टर्स के पास गया, पर जब मैं कृष्णा फाउंडेशन में आया, यहाँ पे संस्था के साथ जुड़ा, प्रोग्राम सीखा, NA का प्रोग्राम लिया, और काफ़ी टाइम से मैंने जब सीखा पढ़ा उसके बारे में, और फिर मैंने खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे प्रोग्राम के लिए मैं खुद आया, और आने के बाद जब पता लगा कि चीज़ें हमारी गलतियाँ होती है व्यवहारों के, करके व्यवहारों पर ही काम कराया जाता है। क्या क्या कहना चाहेंगे कि एक जो लोग प्रेशर लेते हैं अपने मन में हर चीज़ का, ये हो जाएगा अगर वो देख लेगा अपनी, उसको पता चल गया तो, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें भी आगे जाकर हमें बहुत नेगेटिव करती हैं? जी, अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है, पर बड़ी बात ये होती है कि अगर मेरा खुद का मन है कि जैसे हम लोग अब कोई गलती करते तो हम लोग आम भाषा में कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, पर नशे जो नशे की बीमारी में ग्रस्त आदमी है तो उसको सबसे पहले खुद एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मैं गलत रास्ते पर था। अगर खुद से एक्सेप्टेंस आ गई तो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है फिर उसमें। क्या कहना चाहेंगे कि जब नशे में होता है बंदा तो अगर सिचुएशन वैसी हो जाए साथ में, जो उसके ऊपर वाले लोग हैं, चाहे वो वाइफ है चाहे वो फादर है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग तो समझने वाले तो कम रह जाते हैं, और थोड़े से रिलेशन ऐसे रहते हैं जो समझते हैं, बाकी तो कहते हैं छोड़ यार ये तो अमली है, ये तो ख़राब है, लेकिन उन समझने वाले लोगों को भी हम लोग कई बार ओवरलैप करना फिर शुरू कर देते हैं और उनके सेंटिमेंट्स के साथ हम खेलते हैं। बिल्कुल, नशे में आदमी को पता नहीं लगता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फैमिली को वो झूठ बोलने लगता है अक्सर, सभी केसों में देखा गया है। बट अगर आदमी, मैं वापस इस बात पे आऊँगा, अगर हम लोग अगर एक्सेप्टेंस लेके आते हैं और सच पे चलते हैं, और एक बार अब खुद व्यक्ति ठान ले कि मेरे को नशे से दूर रहना है, तो यकीन कीजिए कि ज़िंदगी और आसान हो जाती है। काफ़ी चीज़ें जो हम लोग छोड़ देते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ छोड़ देते हैं नशे के आदि करके, क्या बोला भी जाता है कि एक नशे के करके अपनी ज़िंदगी के लोग 99 स्वाद खो देते हैं, पर वो एक नशा छोड़ के बंदे को, व्यक्ति को सारा का सारा अपना स्वाद का पता लगता है, सारी ज़िंदगी का पता लगता है, छोटी छोटी खुशियाँ देख लेते हैं हर छोटे जो भी हम लोग जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे कृष्णा फाउंडेशन का, जैसे हम ब्रेकफास्ट की बात कर लें, लंच की, डिनर की बात कर लें, या रहने सहने की बात कर लें, इनके काउंसलर्स की बात कर लें, इनके बिहेवियर की बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो एक बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है जिससे आप लोग इस नशे की दलदल से निकलते हैं? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा अपने भाइयों को भी जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं, मैंने एक डे वन से लेके अब तक जो ट्रीटमेंट देखा है, जो तरीका देखा है, काउंसलिंग है, या फिर टाइम टाइम पे बात की जाती है, जो सेशंस मॉर्निंग में लगते हैं बड़े इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, जो आई ओपनर होते हैं एक व्यक्ति के लिए, हर एक पेज ऐसा लगता है जो हमारे ऊपर ही लिखा गया है, इस तरह का प्रोग्राम होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा बड़ा अच्छा पूछा कि लोगों को काफ़ी डाउट होता है खाने को लेकर के कि खाना कैसा है, यकीन मानिए चाहे वो एक दिन पुराना व्यक्ति है, चाहे हम लोग स्टाफ में, चाहे वो MD साहब है, सेम ही खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं और प्रॉपर खाना बनता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक होर वीर दे नाल जिहड़ा कि नशे की दलदल च तसया होया सीगा और हुण ये नवी जिंदगी जी रहा है, भाई स्वागत है तेरा, की कहना चाहेगा, किवें तू इस नशे की दलदल च तसया होया सीगा, किवें फिर मुड़ के परमात्मा ने राह दिखाया और किवें कृष्णा फाउंडेशन तेरे लिए एक जीवनदान बनी? हाँ भाई, सीधा पंजाबी गल करना चाहुंदा वा, नशे मेरे इन्ने माड़े हालात हो चुके सीगे कि मैं घरदिआं नूं घर कुछ नहीं समझदा पिया सीगा, ना ब्रदर नूं, सारी फैमिली मेरी बाहर आ, पर अज दे दिन उन्हें मैनूं इस नशे तों दूर करके इन्नी वधिया संस्था 'च रखिआ होया, जणी अज दे दिन मैं जिंदगी वधिया जी रहा और इन्हां नाल ही जुड़िआ चुक्कां, इस टाइम इत्थे रहि रहिआ इन्हां कोल ही। और ओह फीलिंग जिहड़ियां पहलां आउंदियां हुंदियां सीगियां नशे तों पहलां, ओह सारे वापस आ गईआं? बिल्कुल जी, घरदिआं नाल, रिश्तेदारां नाल इस टाइम मिलदा वरतना वधिया तरीके नाल, जो मैं नशे तों पहलां वरत चुका सीगा, जो नशे तों बाद भी नशे विच घर मिलदा वरतदा सीगा, वह भी इस टाइम मैनूं याद हो रहा वा किस टाइम किदां मैं उन्होंने मिलदा हुंदा सीगा, पर अज दे दिन मैनूं इस टाइम वह वधिया लग रहा वा, बिना नशे तों उन्होंने मिलदा हर टाइम मैं, और वधिया तरीके नाल गलबात करदा सारिआं नाल, ते अपने आप 'च मैं बिल्कुल ठीक हाँ इस टाइम। तो भाई की कहना चाहेंगा कि मेन तां जिहड़ी इह फाउंडेशन आ जिहदे 'च काउंसलिंग आ, योगा लैक्चर्स है, खाना वधिया,
ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਜੋਰ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ।